Today's we will study about a chapter from the biology, fundamental unit of life, the cell. Cell chapter already you have studied in previous class also. यानी class 8 में भी आपने cell chapter के बारे में पढ़ा है. But यहाँ आपको थोड़ा उसमें different मिलेगा. Means कुछ डिटेल है ना, समथिंग विल बी इन डिटेल. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो चैप्टर है आपका, इसमें सबसे पहले यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज सेल, है ना. सेल क्या है, है ना. सेल क्या है, सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सिंपली सेंटेंस लिख दिया गया, लेकिन मतलब क्या है, है ना. मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए जिसमें कहा गया है कि सेल्स आर द फंडामेंटल. फंडामेंटल का मतलब होता है जो फिक्स चीजें हो, जैसे मान लीजिए कि मास, है ना, एक फंडामेंटल यूनिट है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है. सेल्स आर आल्सो अ फंडामेंटल यूनिट. तो सेल स्ट्रक्चरल कैसे हुई, कैसे हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल है, तो बिकॉज द आवर बॉडी यानी कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सेल. सेल से ही बनते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, है ना, जैसा कि हम जानते हैं. एंड फंक्शनल क्योंकि व्हाट एवर द स्ट्रक्चर आर हैविंग लाइक हार्ट डूइंग सर्कुलेशन, है ना, पंपिंग द ब्लड, है ना. सो जैसे किडनी, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन, है ना. तो सारी चीजें जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो किसी ना किसी टाइप की सेल्स से बने हुए हैं, है ना. तो अगर वो सेल्स से बने हुए हैं और रिस्पेक्टिव वर्क कर रहे हैं, जो उनका वर्क है, जो उनका फंक्शन है, तो जैसे बने हैं तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट. और अगर वही ऑर्गन्स कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, फंक्शनल यूनिट हुए ना. तो उसी तरीके से कि द सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट. अब दोनों है तो व्हाट एवर द, व्हाट डू मीन बाय बेसिक यूनिट, यानी कि जीवन का आधार जो सेल्स क्या है, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. इफ दे आर बॉडी, इफ द सेल्स आर डेड देन द बॉडी बिकम डेड, है ना. क्या होता है, व्हेन अ पर्सन डेथ कॉज डेथ व्हाट विल हैपन, द सेल आर गोइंग टू बी डेड, सेल्स उसकी जिंदा नहीं रहती हैं, है ना. तो कहने का मतलब क्या है, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. विदाउट सेल वी कैन नॉट डू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट डू एनीथिंग, मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेड, है ना. चलिए अब सेल्स के स्टडी, यानी कि ये आपने दिया, वी स्टडी द सेल अबाउट अंडर साइटोलॉजी, है ना. साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस यानी बायोलॉजी विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ सेल. साइटोलॉजी, साइटो प्लस लॉगस, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है ना. तो जहां स्टडी किया जाए किसके बारे में, किसके बारे में स्टडी किया जाए, सेल के बारे में, वो होता है साइटोलॉजी. अब देखिए डिस्कवरी, अगले अगला टॉपिक चलते हैं हमारा, क्या है वो, डिस्कवरी ऑफ सेल. देखिए सेल्स की खोजने की कहानी जो है वो काफी लंबी है, है ना, काफी लंबी है. उसमें क्या हुआ कि एक बार एक साइंटिस्ट थे, जो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे. रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने अपने से एक डिजाइन, सेल्फ डिजाइन क्या किया, माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है ना. और उस माइक्रोस्कोप के नीचे एक कार्क का स्लाइस, एक छोटा सा टुकड़ा कट करके उसको उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया. ऑब्जर्व कर ही रहे थे, उन्हें क्या दिखाई दिया कि एक हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर वहां पे अपीयर हुआ उनके माइक्रोस्कोप के अंदर, उन्होंने अपने आंखों से देखा. हनीकॉम का जो स्ट्रक्चर था उसमें जो टाइनिंग है, जैसे हनीकॉम आपने देखा उसमें छोटे 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 जो है छेद होते हैं, तो उसी तरीके से हनीकॉम के अंदर उन्होंने क्या देखा कि जो छोटे छोटे छेद हैं उसी के जैसे चीजों को उन्होंने उसी को ऑब्जर्व करके क्या किया कि these all are looking like a little room,
ठीक है ना। तो लिटिल रूम को ग्रीक लैंग्वेज में सेलुला कहते हैं, ठीक है ना, सेलुला। तो सेलुला उन्होंने कहा, उसको टर्म दिया सेलुला, ठीक है ना। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से एक छोटा सा टर्म डिराइव किया सेल को देख करके, और उन्होंने उस टर्म को नाम दिया क्या, क्या टर्म दिया उन्होंने, सेलुला, है ना। उन्होंने क्या टर्म दिया इसको, सेलुला, सेलुला। और उसके बारे में, अपने इस वर्क के बारे में उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी 1665 में, माइक्रोग्राफिया, उसमें बताया। फिर उसके बाद काफी समय के बाद 1674 में एंटोन वॉन लेवेनहॉक आए, उन्होंने कई तरह की सेल्स पे, कई तरह के एक्वाटिक एनिमल्स के सेल्स पे उन्होंने उसको लेकर के अपने द्वारा, क्योंकि वो एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे, तो माइक्रोस्कोपिस्ट यानी उनका वर्क ही था माइक्रोस्कोप को डेवलप करना, माइक्रोस्कोप नया इम्प्रूव करना। तो उन्होंने अपने द्वारा एक नया इम्प्रूव किया माइक्रोस्कोप, और उसमें कई सारे एक्वाटिक एनिमल्स की सेल को देखा। फिर 1678 में उन्होंने ही, एंटोन वॉन ने ही क्या किया, स्पॉर्म सेल देखा, जैसे ह्यूमन का, डॉग का, रैबिट का, और भी कई तरह के इंसेक्ट्स का स्पॉर्म सेल उन्होंने देखा उसमें, ठीक है ना। तो कई सारी चीजों को देखने के बाद, है ना, फिर फर्दर, अब देखिए धीरे धीरे स्टोरी बढ़ रही है। फिर फर्दर क्या हुआ, एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सेल के अंदर जो उसका कंट्रोलिंग पार्ट है, जैसे आज तो हम जानते हैं ये सब चीजें, है ना, बहुत समय पहले की बात ये हो रही है, ये बात उस समय की हो रही है कि 17th सेंचुरी की बात हो रही है ना, यानी 1600 समथिंग, है ना। तो उस समय पे अभी माइक्रोस्कोप भी डेवलप नहीं था, क्योंकि पहला माइक्रोस्कोप था जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने हाथों से बनाया था, उसको डेवलप किया था। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि 1665 से पहले, बिफोर 1665, from so many years, close and close years, they are having here. But before 1665, we cannot judge, we cannot say these are the microorganism and these are this name, जैसे amoeba, eugenia, paramecium, like this we can't say, हाँ? क्योंकि उसके बाद microscope के develop होने के बाद ही हमें ये सारी चीजें धीरे-धीरे जानकारी मिली। तो इन्होंने देखा, रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने ये सब बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डेवलपमेंट किया 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलिंग बॉडी, ठीक, आवर सेल न्यूक्लियस। जेई कुलकिंजे 1839 में आया, और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। किसको प्रोटोप्लाज्म कहा उन्होंने, सेल के अंदर कुछ फ्लूइड सबस्टांस है ना, तरल पदार्थ जो फ्लो करते हैं उसमें, सेल के अंदर के जो प्लाज्म है ना, फ्लूइड है, उसको उन्होंने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब होता है पहला, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, फर्स्ट फ्लूइड, है ना, फर्स्ट फ्लूइड, सबसे पहला फ्लूइड जो था, इसलिए उन्होंने उसको टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, द फ्लूइड इनसाइड द सेल। इसके बाद हेकेल आए। हेकेल ने 1866 में न्यूक्लियस के, जैसे न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोज दिया, लेकिन उसके बारे में कुछ और डिटेल नहीं दिया। इन्होंने न्यूक्लियस को बताया कि न्यूक्लियस स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, सबस्टांस है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को स्टोर करता है और क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर इन्होंने बताया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि सेल थ्योरी आई, ठीक है ना। जैसे अब सेल की खोज हो गई, सेल के बारे में सब कुछ हमने जान लिया, कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने पार्ट्स जो है रोल अदा किए, जैसे किसी ने न्यूक्लियस को खोज किया, किसी ने प्रोटोप्लाज्म को बताया कि क्या होता है ना। तो सबका अपना अपना वर्क होने के बाद सेल थ्योरी देने का समय आया। तो सेल थ्योरी के लिए दो साइंटिस्ट आए, है ना, एक बॉटनिस्ट है और एक जियोलॉजिस्ट है। तो 1838 में जैकॉब मैथियास स्लीडन, इन्होंने, ये जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले अपना आइडिया प्रपोज किया, और उन्होंने कहा कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, है ना, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के द्वारा बने हैं, जितने भी प्लांट्स, ठीक उसके एक साल बाद, यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर, यानी 1838 में इन्होंने दिया, जैकॉब मैथियास ने। और 1839 में दूसरे साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, यस, उनका नाम क्या था,
थियोडोर स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, कहाँ के, ये भी जर्मन के ही थे। तो 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान ने क्या कहा कि जो उन्होंने आइडिया दिया था मैथिहास स्लेरेन ने कि जो आपका सेल है वो प्लांट्स के प्लांट को कंसिस्ट करता है, यानी कि प्लांट्स को बनाता है। इन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है प्लांट्स को बनाता है, लेकिन प्लांट्स के साथ साथ एनिमल भी सेल्स के द्वारा ही बने हैं, यानी कि बोथ आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर मेड अप ऑफ सेल। और इस तरीके से ज्वाइंट वेंचर में उन लोगों ने दोनों ने अपनी सेल थ्योरी दी, ठीक है ना। इस लेकिन अब की सेल थ्योरी उन्होंने दे दी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, शुरुआत की, लेकिन सम मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, है ना, कुछ उनकी जो थ्योरीज थी उसको फिर बाद में रिफाइंड की गई, है ना, और उनमें कुछ चेंजेस आ गए थे। फिर आर वी को 1855 आर वी को जो थे वो भी क्या थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, है ना, ये जूलॉजी बॉटनिस्ट दोनों को देखते थे, तो ये भी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। और जर्मन बायोलॉजिस्ट, है ना, इन्होंने अपना थ्योरी दिया, मॉडिफाइड किया उसको, रिफाइंड करके, और उन्होंने उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए, पोस्टुलेट्स वो होते हैं कि पोस्टुलेट्स अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब आप ये जान लीजिए कि पोस्टुलेट्स पर्टिकुलर साइंटिस्ट अपने द्वारा जो चीज़ें लिखा, जैसे विल्को ने जो लिखा है अपने द्वारा, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा दी गई है, तो वैसे जगहों पर आप पोस्टुलेट्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन ने पोस्टुलेट्स दिया था केमिस्ट्री में, आप जब पढ़ा होगा, तो पोस्टुलेट्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि गिवन बाय द पर्टिकुलर साइंटिस्ट, वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने जो पॉइंट्स आउट किया उसके बारे में, उसको हम पोस्टुलेट्स का नाम देते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स दैट इज सिक्रेशन। अब देखिए यहाँ पे सिक्रेशन जो आप वर्ड देख रहे हैं, सिक्रेशन जो टर्म आप देख रहे हैं, है ना, क्या है मतलब इसका, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑल लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के द्वारा बने होते हैं, ये तो हम समझ में आ गए। सेल प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट क्या है, यानी कि जो भी सेल्स के बॉडी, सेल्स के इंटरनल सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनके द्वारा सर्टेन प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, यानी कि सिक्रेशंस, है ना, कुछ सिक्रेट करते हैं, है ना, जैसे वैसे कई सारे हैं, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो कुछ सिक्रेट करता है, है ना, इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के द्वारा, सेल्स के द्वारा और उनके प्रोडक्ट्स के द्वारा, सेल प्रोडक्ट के द्वारा बना है, ठीक है ना, यानी कि सिक्रेशन के द्वारा। दूसरी चीज दिया इन्होंने, पहली तो हो गई आपकी, दूसरी इन्होंने दी कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, जैसे हमारा रेस्पिरेशन हो गया या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो गया, तो वो सेल्स के किसी न किसी पर्टिकुलर सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना, तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेल्स के अंदर होते हैं, इसीलिए द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, है ना, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सब इसी के द्वारा होते हैं। तीसरा नंबर, ऑल द सेल्स आर एराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको ग्रीक में भी आपको यहाँ पर देखिए लिखा गया, ग्रीक में इसको जब उन्होंने अपनी माइटोग्राफिया बुक लिखी थी, सॉरी विल्को ने जब अपना जो है ये पोस्टुलेट्स दिया था, तो उन्होंने अपने सेंटेंस में बताया था, उनके सेंटेंस में यानी कि ग्रीक में, कि ओमिनिस सेलुली आ सेल्ला, ओमिनिस सेलुली आ सेल्ला, यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जैसे मान लो कोई भी सेल है तो पहले एक सेल अराइज हुई, फिर इसी से डिवीजन हो गए, दूसरी, फिर इसी से डिवीजन हो गए, तीसरी, इस तरीके से मतलब सेल्स जो है एक साथ, जैसे ऐसा नहीं कि कोई सेल एकदम पैदा हो जाए, है ना, कोई सेल एकदम ऐसे बन जाए, पैदा हो जाए, कोई अचानक से सेल आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ईच एंड एवरी सेल, जैसे मान लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, है ना, तो वो एक सिंगल सेल से जनरेट, सॉरी सिंगल सेल से पैदा होते हैं, है ना, सिंगल सेल पहले आती है, उसके बाद फिर डबल, फिर उसके बाद जायगोट बनता है, फिर फर्दर चेंजेस ऐसे ऐसे ऐसे, तो दोनों एक एक सिंगल सेल मिले तभी तो जायगोट बना, मेल के
जायगोट और फीमेल के जायगोट दोनों मिलकर के जायगोट एंड सेइंग मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिला, दोनों मिलने से जायगोट बनता है। तो ये क्या हुआ, यानी कि सिंगल सेल से हमारा चीजें एराइज हो रहे हैं, यानी कि हम डेवलप हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था इनका, एवरीथिंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, एक्सेप्शन में वायरस है। अभी मैंने आपको सिंगल सेल के बारे में बताया, एक्सेप्शन देखिए यहाँ पे दिया है वायरस, वायरस और सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि विदाउट सेल, यहाँ लिख देते हैं आपको, देख लीजिए वायरस और सेलुलर, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म, असेलुलर, असेलुलर का मतलब होता है कि कोई सेल नहीं होती है, वायरस विदाउट सेल होता है ना, विदाउट सेल होता है, ठीक है ना, कोई उसके पास सेल नहीं होती है, कोई न्यूक्लियस कुछ भी नहीं। हाँ, इस यह एक कनेक्टिंग लिंक होता है आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, क्योंकि जैसे ही होस्ट बॉडी पे आता है यह लिविंग कैरेक्टर्स में अपने आ जाता है और ये चर्बी अरे अपने बॉडी को तेजी से बढ़ाने लगता है, ग्रोथ करने लगता है, मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत तेजी से बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, है ना। इसीलिए हम क्या देखते हैं, वायरल जितना भी चीजें होती है, फीवर या कोई भी चीज, वो वैक्सीनेशन के द्वारा ही ठीक होती है, बाकी और कुछ नहीं। आज की डेट में जैसे आप देख रहे हैं कोरोना का जो समय चल रहा है, तो कोरोना में क्या है, वायरल ही डिजीज तो है ना, एक वायरस ही तो है, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीन आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज योर ऑल अबाउट द सेल थ्योरी, सेल के जो और भी चीजें हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी पढ़ा और सेल थ्योरी पढ़ा। थैंक यू।